जय साथ सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए, जहाँ पर हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। आप सभी साथी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि सीरीज आप सभी के लिए परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और आप इस सीरीज के अंत तक बने रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे थ्योरी की सीरीज होगी जो हम सिलेबस के आधार पर आपके लिए लेकर आए हैं, और ये डे बाई डे आपके लिए चलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे उन सभी तत्वों, सभी टॉपिकों को पढ़ने के लिए जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे बार बार सवाल आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्या है, इसके अंतर को समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटियर द्वारा 1865 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी परीक्षा में एक लाइन में सवाल आते हैं, लेकिन आजकल कूट वाले सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। जैविक और अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से पारिस्थितिकी की रचना होती है। जैविक और अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से पारिस्थितिकी की रचना होती है, यह भी पूछा जाता है कि पर्यावरण के दो कौन से प्रमुख घटक हैं। तो याद रखिएगा कि परीक्षा के वह सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसे हम जैविक और अजैविक तत्वों के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली शब्द का सबसे पहले प्रयोग, मानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले जी ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक पदार्थों की परस्पर प्राकृतिक क्रिया है, जिसमें जैव एवं अजैव पदार्थों के साथ साथ पर्यावरण के संपूर्ण कारक जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। मेरा एक सवाल है कि आप जैविक और अजैविक पदार्थों से क्या समझते हैं, जैव और अजैव जो पदार्थ है इनसे क्या मतलब निकालते हैं। जैव का मतलब समझिए जिसमें जीवन होता है, और अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। अजैविक में आता है जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये अजैविक घटक होते हैं। अगर जैविक घटक की बात करें तो पादप हो गए हैं, कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, जीव जंतु होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। अगर देखा जाए तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर और सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर का जो है वो सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। महासागर क्या है, सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है महासागरी, और सबसे स्थिर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं जैविक घटक। यही मैं आपसे ऊपर पूछ रहा था कि जैविक घटक किसे कहते हैं। अगर जैविक घटक की बात किया जाए तो जैविक घटक में जीवन में सभी, यहाँ पे देखिए इसमें हो गया आपका पादप, ठीक है, फिर हो गया जीव जंतु, ठीक। अब घटक जो होते हैं, अब घटक ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, माने पादप, जीव जंतु और अपघटक, इन तीनों से मिलाकर हमारा जैविक घटक बनता है, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। हम लोग ने समझ लिया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं, जब भी हम यहाँ पे ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड बनाते हैं, सबसे नीचे जो आता है वो हमारा होता है उत्पादक। सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक। अब इस उत्पादक को हम लोग को पढ़ना, उस उत्पादक में क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे, इसमें क्या आते हैं, पादप पौधे, इसमें क्या आते हैं, पादप आते हैं। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं पादप, एक लाइन में हम ये कह सकते हैं पादप। माने वे सभी जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं, अर्थात स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे, ये सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और इस बारे में और भी जान लीजिएगा, यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थ तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग मिलाकर भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम हरे पेड़ पौधे कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर स्वयं भोजन कौन बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं, और इन्हीं पर जितने भी आगे के जैविक घटक हैं वे सब आश्रित हैं। कल्पना करिए, अगर पूरे पृथ्वी पर उत्पादक ना होते तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। यह बात एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यह चीजें आपको जाननी जरूरी थी उन सभी को, ठीक है। सभी लोग को शायद सुनाई दे रहा होगा मेरी बात आवाज, कोई दिक्कत, किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे हम बात करते हैं आप लोग के साथ मिलकर, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख पा रहे हैं। जी हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट शेयर तो कर लो, वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं उपभोक्ता की बात करते हैं। उपभोक्ता देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जैसे ही ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, आइए, उपभोक्ता जो है जो पादप पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। आइए उपभोक्ता के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। जैसे जब
उत्पादक द्वारा पैदा किया हुआ भोजन दूसरे जीव द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो प्रयोग में लेने वाले जीव को उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहा जाता है। मैंने जो उत्पादक द्वारा भोजन पैदा किया गया है और दूसरे जीव द्वारा उसको प्रयोग में लाया जाता है तो प्रयोग में लाने वाले जीव को उपभोक्ता का अपघटनकर्ता कहा जाता है। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह ये शाकाहारी जंतु या परजीवी होते हैं जो सीधे उत्पादकों को भोजन करते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, चींटी, भैंस, ये सब आ गए। ठीक है, इसके बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता। अगर द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो यह प्रायः मांसाहारी जंतु होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक, मछली, बिल्ली, लोमड़ी। तो ये सीधा सीधा क्या होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। ये उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप जो मेढक खाते हैं, वे चिड़िया जो मछलियों को खाती हैं, या शेर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके एक अगर डायग्राम बनाकर देखें तो शायद इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि उच्च मांसाहारी किसे कहते हैं। तो इसी में एक टॉपिक आता है उच्च मांसाहारी का। आइए उस उच्च मांसाहारी को ध्यान देखते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि यह शीर्ष उपभोक्ता होते हैं या अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं परंतु इनको कोई नहीं खाता, जैसे शेर, बाघ, बाज, ये शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उच्च मांसाहारी होते हैं और इनको कोई नहीं खाता, ये सबसे ऊपर होते हैं, ये सबको खाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक छोटा सा हम लोग डायग्राम क्रिएट करें तो कुछ इस तरह से ये बनता है। यह हो गया, ये सूर्य हो गया, इस सन के प्रकाश से यहाँ पे जो है ये पादप है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पादप, इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। उसके ऊपर हम बात करें तो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता। यहां देखिए, अगर उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पादप है तो यहाँ पे शाकाहारी, ये हो गया आपका शाकाहारी। फिर यहाँ पर है मांसाहारी, फिर यहाँ पर है सर्वाहारी। अब इनके अगर हम नाम की बात करें तो इनके नाम में देखते हैं, ये हो गया आपका उत्पादक, उसके ऊपर उपभोक्ता, ये कौन से उपभोक्ता है, प्राथमिक, ये कौन से हैं, द्वितीय, और ये क्या है, ये हो गया उपभोक्ता में तृतीय उपभोक्ता हो गया। यहाँ पर तीन प्रकार के उपभोक्ता हैं और इन सभी को डिकम्पोज जो करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। उनकी भी हम बात करते हैं, पहले इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, अपघटक या मृत जीवी अन्य परपोषी जीव है जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं। ये मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारणतः भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं जो फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं, जैसे चींटी, केचुआ, फफूंद, घोल, कृमि, प्रोटोजोआ। इनका काम क्या है, डीकम्पोज करना। तो यहाँ पर ध्यान से चीजों को देखना है और यहाँ पे जानना है। ठीक है, अब जो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और इन पर आश्रित होते हैं कौन, शाकाहारी, मतलब हरे पेड़ पौधों को शाकाहारी खाकर जीवित रहते हैं। और इन शाकाहारी कौन खाते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी क्या कहते हैं, सर्वाहारी। इन सबको क्या करता है, एक है जो डीकम्पोज करने का काम करता है, इन सबको डीकम्पोज करने का काम करता है, जिसे हम अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कोई पेड़ है गिर गया तो उसमें जैसे पेड़ गिरा उसके अंदर डीकम्पोजर लग जाएंगे, उससे जितने मिनरल है वो सब क्या करेंगे, अलग कर देंगे। कोई शाकाहारी से भाई, कोई गधा मर गया, कोई गधई मर गई, तो क्या होगा, जैसे मर गई खूब मोटी होगी, फिर क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगी, पंचत्व में विलीन हो जाएगी। तो यहाँ पर वो हो गया। अगर मांसाहारी की बात करें तो यहाँ पर मांसाहारी में सेम होगा कि जैसे जो मांसाहारी जीव है मर गए तो उन्हें डिकम्पोज कर देंगे। सर्वाहारी जीव, तो जो भी जीव पर यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे
अलग हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देने, हो सकता है आपको एक आध एग्जाम्पल आपको गलत मिल गया हो, इसलिए यहाँ पर इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, शाकाहारी में समस्त पादप में समस्त जो पेड़ पौधे आते हैं, समस्त पेड़ पौधे पादप में आते हैं, जो शाकाहारी हैं वे समस्त शाकाहारी जीव आते हैं, मांसाहारी सर्वाहारी, और एक फॉर्म से जैसे पादप को शाकाहारी खाते हैं, जैसे शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं, तो ऊर्जा जो है ना ये 10% हस्तांतरित होती है। तो जो ऊर्जा का 10% हस्तांतरण होता है, दस प्रतिशत का नियम कौन दिया है? लिंडमैन, लिंडमान ने दिया है या लिंडमैन, अलग अलग किताबों अलग लिखा। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया है, मतलब कि ऊर्जा 10% जाती है और 90% ऊर्जा क्या होती है? ह्रास हो जाती है। इसलिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे पादप को मान लीजिए बकरी खाई, बकरी को शेर खा गया और शेर को आदमी खा गया, तो जब आदमी सर्वाहारी है तो क्या होगा? तो उसको 10, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% ऊर्जा के 10% का नियम यहाँ पर हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो टॉपिक होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो एक टॉपिक है अजैविक घटक, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जैविक घटक हम लोगों ने पढ़ लिया। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। वैसे हम आगे चलते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है अजैविक घटक, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर हम अजैविक घटक की बात करें, इसमें तीन भागों में इसको भी बांटा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि आते हैं। अगर गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब अकार्बनिक पदार्थ जो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसके अंतर्गत मृत पौधे और तो जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और उसकी अपघटन द्वारा उत्पादित पदार्थ जैसे यूरिया और ह्यूमस, ये सब आते हैं। अगर ऊर्जा संघटक की बात करें, अगर हम ऊर्जा संघटक की बात करें, इसमें सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, वर्षा आदि को सम्मिलित करते हैं। अगर हम बात करें जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में होने वाले ऊर्जा के हस्तांतरण क्रम को हम आहार श्रृंखला या फूड चैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आहार, मतलब जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फूड चैन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, माने जो पारिस्थितिकी असंतुलन का जो मुख्य कारण है वो वनोन्मूलन है, जो वनों की कटाई लगातार हो रही है। अब इसमें टॉपिक आता है जैव आवर्धन, तो जैव आवर्धन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हानिकारक और विषाक्त पदार्थ है जैसे डीडीटी, ये हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं क्योंकि यह आसानी से विघटित नहीं होते, जिस कारण ये प्रत्येक पोषक स्तर पर संचित होने लगते हैं। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। डीडीटी का संचयन सांप में सर्वाधिक होगा क्योंकि सांप आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम लिंडमान ने 1942 में प्रतिपादित किया है, जो इसके पीछे हमने आपको समझा के बता दिया। इनके अनुसार केवल जैव भार का 10% खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। अभी पोषण स्तर की बात कर लेते हैं। अगर हम पोषण स्तर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल इसे कहते हैं, ये फर्स्ट है, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, ये ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, ये ट्रॉपिक लेवल ये फोर्थ है। तो यहाँ पे ये सब ध्यान दीजिएगा। और अब घटक की बात करेंगे तो पांचवें पर आ जाता है, ठीक है। तो जो पोषक स्तर है ये पादप से ही स्टार्ट हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और उपभोक्ता जो होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो ट्रॉपिक लेवल सेकंड में होगा। घास स्थलियों फसली स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड को सीधा दिखाता है, माने जो घास स्थली है वो
फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड को सीधा दिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बड़े परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है और लोग यहाँ पर गलती करते हैं। आगे अगर हम बात करें, जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। जैव भार का जो पिरामिड होता है ये उल्टा होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम का तात्पर्य समय के साथ समुदाय का स्थानांतरण से, माने पारिस्थितिकी अनुक्रम का तात्पर्य समय के साथ समुदाय के स्थानांतरण से है। ओडम के अनुक्रम की क्रमागत विधि को बताया है, यहां पर है न्यूडेशन, आक्रमण, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और चरम अवस्था। यह इंपॉर्टेंट है, यह क्रम से रखने के लिए आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। पारिस्थितिकी निकेत का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनलैंड ने किया था। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जंतुओं एवं पादपों की जो प्रविधि प्रजातियां होती हैं उसका निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है जिसमें ये निवास कर अपने जीवन यापन करती हैं। यह सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े आएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। आप चाहते हैं घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त करें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप सभी अपने व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। इसके बाद हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे जहां पर हम उस नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि नई सीरीज आप सभी के लिए कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप सभी का थैंक यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए सेशन, एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जी हाँ, थैंक यू आप सभी का। शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा इसका सपना पूरा करना है और आप लोग साथ दीजिएगा, सपना जरूर पूरा होगा। हम इसके बाद क्लास को थोड़ी सी बड़ी बड़ी लेकर आएंगे, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले बार जो पर्यावरण की सीरीज है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसी तरह अन्य विषयों की सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपके सपनों को साकार कर सके, आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर। थैंक यू। क्लास कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।